वाराणसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह का तीसरा दिन कचहरी स्थित अंबेडकर स्मारक पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में गीत प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नाटक मंचन का कार्यक्रम 8 वर्ष से 25 वर्ष तक के आयु के बच्चों ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार प्रेमी द्वारा की गई। विजय शंकर यादव साहब, आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती का की पूर्व संध्या है। पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ही एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने पूरे भारत के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन बहुत दुखमय रहा। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए इस देश में अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर को सार्वजनिक स्तरों पर चलने का, पानी पीने का, पढ़ने का, स्कूल में जाने का, ये तमाम अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया था। जो मानवीय अधिकार दुनिया के सभी प्राणियों को मिलता है, उन सभी अधिकारों से वंचित किया गया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे उच्चतम डिग्री हासिल किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने पढ़ा, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेकर के इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉर्न यूनिवर्सिटी जर्मनी में शिक्षा अध्ययन शिक्षा प्राप्त किया, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने राजकीय सेवा को त्याग दिया। जब उन्हें हाई कोर्ट में जज बनाने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार ने दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहते हुए उसे इनकार कर दिया कि अगर मैं जज बन जाता हूँ तो मैं अपना तो कल्याण कर लूँगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश तो कर लूँगा, लेकिन ये जो करोड़ों बच्चे भारत में हैं, जो दलित शोषित हैं, पिछड़े हैं, इन बच्चों का क्या होगा, इन महिलाओं का क्या होगा, जो महिलाएं आज भी स्वयं दर्जे की नागरिक हैं। भारत की सभी महिलाएं जो हिंदुओं की महिलाएं थे, हिंदुओं ने उन्हें अधिकार से वंचित करके केवल उपयोग की वस्तु समझ रखा था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।